जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उड़ान परिवार चाणक्य क्लास। आज हम CSF सेंटर के बारे में, जो फिजिकल चल रहा है SSC GD का, उसके बारे में डिटेल जानने वाले हैं, जिसके बारे में सालिम भाई बताएंगे। सबसे पहले आपका अंदर जब गए उससे पहले आपको क्या क्या चीजें कराई गई? सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट की पूर्ति है उनको पूरा करा गया। डॉक्यूमेंट सब चेक होने के बाद उसके बाद सबसे पहले रनिंग हो रही है। 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है, कोई टफ काम नहीं है, आराम से दौड़ेगा। और हाथ में वॉच जरूर रखेगा, वॉच रखे ताकि आपको अंदाजा रहे कि एक किलोमीटर का एवरेज क्या आ रहा है, उसी हिसाब से दौड़ते रहे। और शूज अपने उच्च क्वालिटी के लाए, क्योंकि रोड थोड़ी डैमेज हो रखी है। वॉच से तुम्हें ये रहेगा कि हर चक्कर में तुम ये अपना अंदाजा लगा सकते हो कि एक चक्कर कितने मिनट में हो रहा है। ऐसे तुम्हारे इस ग्राउंड में ये जो CSF सेंटर है इसमें 4 राउंड लगाने हैं और 24 मिनट में वो पूरा करना है। 6 मिनट का एवरेज आता है लगभग, तो उसी हिसाब से तुम्हें दौड़ना है। जैसे ही तुम्हारी रनिंग पूरी होगी धीरे धीरे दौड़ना है, चाहे तुम घर पे दौड़ते हो, उससे कोई ज्यादा घर पे टफ पड़ रहा है बल्कि। और यहाँ पे तुम्हें मॉर्निंग में बुलाया जा रहा है और ज्यादा टेम्परेचर नहीं है और नॉर्मल सी बात है। जब आओगे तो जल्दी आने की कोशिश करना, यदि पहले ग्रुप में आते हो तो आपको ठंडा माहौल मिलेगा और पहली बार में फिजिकल करने को मिलेगा, यानी कि रेस आपकी उतनी जल्दी हो जाएगी, इस चीज का फायदा मिलेगा आपको जल्दी आने का। उसके बाद जिसकी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसका सेकंड फेज शुरू होगा। सेकंड में क्या होगा, सबसे पहले उसकी हाइट नापी जा रही है, हाइट के बाद उसका वेट हो रहा है, वेट के बाद उसकी चेस्ट हो रही है। चेस्ट मिनिमम 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन। ये चेस्ट का फुलाव प्रैक्टिस करके जरूर आए, क्योंकि सबसे ज्यादा बंदे उसमें भी बहुत बार हुए हैं जिनका चेस्ट का फुलाव ही नहीं आ पा रहा है और ना ही चेस्ट पूरी हो पा रही है। तो काफी चीजें जिसका आपको मेजरमेंट ध्यान रखना है। बोला अच्छे क्वालिटी का शूज लेके आना भाई, गर्मी में थोड़ा दिक्कत हो रही है, गर्मी हो रही है, गर्मी तो खैर झेल जाओगे आप बाद में, लेकिन सुबह को जितना जल्दी आओगे उतना बेनिफिट है। ये भाई बताएंगे आज का टफ फिजिकल में सबसे ज्यादा क्या पड़ रहा है बच्चों को? टफ पड़ रहा भाई लोगों, चेस्ट काफी अच्छी नाप रहे हैं वो, चेस्ट अच्छा और मेजरमेंट नीचे से कर रहे हैं, मेजरमेंट नीचे से कर रहे हैं और स्टाफ बहुत अच्छा है, कमांडेंट वगैरह अच्छे से पेश आ रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है एकदम। 4 फोटो चिपकाने के लिए गम और पेन वगैरह जरूर लेके आए, और अपना वो कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ नहीं लाना, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, एक आइडेंटिफिकेशन के लिए, और बाकी जो आपका 4 फोटो चाहिएंगे। बाकी भाई लोगों प्रैक्टिस करके आए, प्रैक्टिस जरूर करके आए, और ग्राउंड थोड़ा डैमेज है, चीज का ध्यान रखे, क्योंकि ग्राउंड में थोड़ा डैमेज हो रखा है, तो ग्राउंड क्या सड़क ही है और जूते अपने अच्छे क्वालिटी के आएंगे। कुछ न करे भाई, कोई भी अपने अच्छे जूते लेकर आए घर से, मैं थोड़े खराब से लेकर आया था, नंगे पैर भागना पड़ा, फिर यहाँ पैर फट गए सारे भाई। सही बात। अभी क्या टाइम हुआ, 1 बजे हम छुटे हैं, यानी कि आप अपने खाने पीने का सामान रखे, जो है दौड़ से पहले ज्यादा खाने पीने की कोशिश ना करें, उसकी वजह से आपको पेट में दिक्कत हो सकती है, और एक्स्ट्रा मेडिसिन का यूज ना करें, नॉर्मल जैसे लग जाएगी आराम से। यदि आप अपना टाइमिंग सेट करके घड़ी वॉच लेके चल रहे हैं तो 6 मिनट के हिसाब से लगाएंगे तो 4 चक्कर आपके कवर हो जाएंगे, बाकी आपको 1 बजे छोड़ा जाएगा, उसके बीच में आपके जो भी चीजें मेजरमेंट है, डॉक्यूमेंट्स का है, हाइट का है, चेस्ट का है, सब चीजें कवर करी जा रही है अच्छे से। तो आप सबका अच्छा हुआ फिजिकल, बस चलो ठीक है गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट के लिए जय हिंद जय भारत, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ।